स्टेट बार काउंसिल का विधिक सेमिनार कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ संपन्न। हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायमूर्तियों के उपस्थिति में 50 साल से वकालत कर रहे वकीलों का सम्मान भी किया गया। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का विधिक सेमिनार रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों की उपस्थिति में विद्वान न्यायाधीशों ने विभिन्न विषयों पर बोलते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका अगर पालन कर लिया जाए तो लोगों को त्वरित न्याय मिलने लगेगा। न्यायमूर्तियों का कहना था, वकील अगर बेहतर तैयारी करके आए तो मुकदमे का फैसला जल्दी हो सकता है, जिससे न्यायालय में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग नहीं होंगे। हम आपको बता दें, उपस्थित न्यायाधीशों में एक न्यायाधीश ऐसे भी थे, विजय शुक्ला, जो कि विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल के परिवार के थे। वहीं सारे न्यायमूर्तियों ने और वक्ताओं ने विंध्य की माटी के सपूत न्यायमूर्ति जीपी सिंह को याद किया। वहीं 50 साल से ज़्यादा न्याय के क्षेत्र में गुजारने वाले वकीलों का इस मौके पर सम्मान भी किया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में और सुनाते हैं न्यायमूर्तियों सहित उपस्थित अतिथियों ने स्टेट बार काउंसिल के विधिक सेमिनार में और क्या कहा। स्टेज पर और स्टेज के से अलग आज वो लोग जो बैठे हैं जिनका यहाँ पर सम्मान होना है, जिन्होंने 50 वर्ष इस वकालत के क्षेत्र में अपने पूरे किए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जितना पीरियड उन्होंने अपना इस विधि क्षेत्र को दिया लगभग उतनी मेरी आयु है और वो सब मेरे लिए बड़े पूजनीय हैं। उनका सम्मान करना, शायद मैं अपने आप में सम्मानित हूँ, उनका सम्मान हम लोग नहीं कर सकते। विंध्य प्रदेश से, जैसा एके सिंह साहब ने सुरेंद्र उपाध्याय से बताया, विंध्य प्रदेश रीवा संभाग रीवा जिले से मेरा जन्म से रिश्ता है। मेरा जन्म देवघर जिले में, जिला रीवा में हुआ। मेरे बाबा के छोटे भाई विंध्य प्रदेश में उन्होंने वकालत की, फिर यहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। मेरे पिताजी के बड़े भाई मेरे ताऊ जी जिला अधिवक्ता संघ रीवा के सदस्य रहे और बहुत ही बुजुर्ग घनश्याम सिंह साहब, सुशील तिवारी जी और अन्य लोग, चंद्रशेखर दत्त शुक्ला जी, वो यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य रहे, उन्होंने वहाँ वकालत की। विंध्य प्रदेश का वैसे भी इतिहास और विधि इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। हम देखें तो यहाँ बीरबल तानसेन भी विंध्य प्रदेश की मिट्टी से थे और विधि जगत का अगर हम देखें तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नाम हैं, जिनका बार बार अभी पूर्व उद्बोधन में नाम लिया गया, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी पी सिंह साहब, जे एस वर्मा साहब, श्री आर के कंखा साहब, श्री रामपाल सिंह साहब, श्री आर डी शुक्ला साहब, श्री एस के पांडे साहब, श्री अजीत सिंह साहब एवं श्री सतीश अग्निहोत्री जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने वकालत के बाद न्यायमूर्ति के रूप में भी इसी विंध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। अधिवक्ताओं में जिन्हें उनमें से एक बहुत ही बुजुर्ग अधिवक्ता को उन्होंने, उनको भी मैंने हाई कोर्ट का प्रैक्टिस करते हुए देखा, जो मैंने शुरू किया, श्री प्रद्युम्न सिंह जी, श्री गिरजा प्रसाद मिश्रा जी, श्री रामायण प्रसाद पांडे जी, श्री श्रीनिवास सुंदरी जी, श्री के पी मिश्रा जी, श्री कमलेश्वर सिंह जी एवं श्री चक्रधर सिंह जी, जो आज वर्तमान में प्रैक्टिस में है, मैं उनका नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, पर रीवा में सिविल और क्रिमिनल में अधिवक्ताओं का योगदान बहुत अधिक रहा है और उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधिपति बी सी वर्मा साहब कोर्ट से ये कहते थे कि जब सिविल की मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रीवा में श्री गिरजा प्रसाद मिश्रा जी को कंसल्ट करता हूँ। तो मेरा विषय है मध्यस्थता का न्याय जगत में महत्व, मेरे ब्रदर श्री अतुल सरित जी का है आपराधिक न्याय व्यवस्था का वर्तमान जगत में महत्व।
और सुजय पॉल साहब का वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया में अभिभाषकों का मार्ग, ये तीनों विषय अभिभाषकों के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए जब अभिभाषकों का महत्व की बात आएगी तो निश्चित ही रूप से चाहे मध्यस्थता का विषय हो, चाहे आपराधिक न्यायिक व्यवस्था, बिना अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना ये तीनों विषय अधूरे हैं। मध्यस्थता का विषय निश्चित रूप से कोई नया विषय नहीं है, श्री सुमेर उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा। रामायण को उदाहरण दिया, हम देखते हैं कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है, अंगद को मध्यस्थता के लिए भेजा है। अब एक उदाहरण वहां भी मिलता है कि शायद मध्यस्थता को इतना महत्व दिया गया। इसी तरीके से महाभारत के समय पर आए कौरव पांडवों के युद्ध के बीच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मध्यस्थता का प्रयास किया। तो ये दो उदाहरण ये बताते हैं कि मध्यस्थता का विषय हमारे यहाँ प्राचीन काल से था, आज उसको हमने विधिक स्वरूप प्रदान कर दिया। उसके लिए विधान और सारे कानून बना के मध्यस्थता का विषय ले आए हैं। एक मध्यस्थता को लेकर अधिवक्ता समुदाय में, खासतौर से हमारे जो नए अधिवक्ता इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो भ्रांति सी है कि शायद ये ऐसा तो नहीं कि ये वकालत के प्रोफेशन को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसके कारण वकालत बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोक अदालत, बहुत ज़्यादा मीडिएशन,